अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का 4.8 समझाने वाला हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग टाइप के क्लास से आते हैं इसलिए मैंने समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनमें कुछ इक्वेशंस दी हैं, इनको सॉल्व करना है हमने। तो चलते हैं स्टार्ट। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं 2x माइनस 4 माइनस y इक्वल 4, ये एक इक्वेशन दिया है। एक दूसरी इक्वेशन भी उसने लिखी है 2x स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन उसने लिखी है। तो हमने इक्वेशंस क्या करना है, फर्स्ट टाइम अपने इनको इन इक्वेशंस को नाम दे देना है। जैसे कि मैं इसको एक 1 देता हूँ, इसी तरह इक्वेशन इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ। इनका आपको फ़ायदा बाद में पता चलेगा जब आप फुल क्वेश्चन हल कर रहे होंगे। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इक्वेशन 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सामने रखना है और इसके अंदर से मैं एक कीमत निकाल लूँ, चाहे मैं एक्स की निकाल लूँ चाहे मैं वाई की कीमत निकाल लूँ। तो एक्स और वाई की कीमत निकालते वक्त आपको जिन बातों का ख्याल रखना हो ये है कि आप ऐसी रकम को यानी कि मतलब एक्स या वाई ऐसा मुंतखब करें जो बटा ना आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एक्स को मुंतखब करता हूँ, जब वाई इस साइड पे चला जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, मतलब तकसीम डिवाइड होगा। तो इसलिए मैं इसको नहीं रखता क्योंकि इससे बटा में आ जाएगी रकम, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कर देता है। इसलिए लेकिन अगर मैं वाई को रखूँ तो 2x इस साइड पर आ जाएगा, तो ये सिंपल ही रहेगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। माइनस वाई 4, ये 2x, इस साइड पॉजिटिव इस साइड पर नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं ये जो माइनस है इस माइनस को इक्वल के राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ, ये मैंने क्योंकि y की कीमत निकाल ली, इसको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 2 लिखा, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मैंने कैसे निकाली, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 मैंने ये ऐसे किया कि जो इक्वेशन 1 थी उसके अंदर से मैंने y की कीमत निकाली, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 निकाल लिया मैंने, तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। तो अब मैंने क्या करना, पुट करना है, मैंने इस y की कीमत को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इधर मैं लिखता हूँ पुट 3, इक्वेशन 3 आप इसे सिंपली लिखना है इन 2। आपने ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से जुमला नहीं बनाना बल्कि सिंपल सा लिख देना आपने। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में पुट करता हूँ। तो ये इक्वेशन 2 है, 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये y है, y की प्लेस पर मैं y की कीमत दर्ज कर देता हूँ 2x माइनस y। इसी तरह इधर माइनस y स्क्वायर की प्लेस पर मैं 2x माइनस 4 होल स्क्वायर लिख देता हूँ इक्वल 6। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करता हूँ, इसको मुखसर करते जाना है, 2x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई 4 60 एक्स माइनस, जब मैं इसको इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो इसको एक फार्मूला की शेप में ओपन किया जाता है, तो मैं ओपन करता हूँ। जब मैं 4x तो इसको ओपन कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 60 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 फार्मूले का 2 तो 6x। तो ये मैंने फार्मूले को ओपन किया, ये मैंने फार्मूले को ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मैं इसको मज़ीद मुख्तसर करता हूँ, जब 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर तो ये जवाब आएगा माइनस 6 स्क्वायर प्लस 16x। अब माइनस को मैं इन जब बाहर इक्वल ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है तो अंदर वाली सिंबल्स तब्दील हो जाते हैं, माइनस 16 प्लस 16x इज इक्वल 6। नेक्स्ट स्टेप मज़ीद सॉल्व करता हूँ, जैसे कि 4x स्क्वायर ये माइनस है और इसी तरह 6x स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस 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 रहेगा, 10 6 और 4 10 हो जाएगा x स्क्वायर, 10x स्क्वायर आएगी। इसी तरह 16x और 16x प्लस 32x। नेक्स्ट स्टेप माइनस 16, अब ये इक्वल के राइट साइड पे 6 है, इस साइड पे ये पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव इक्वल, तो ये ऐसे नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं प्लस माइनस, अब ये 16
माइनस 16 और माइनस 6 है तो ये माइनस 20 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म मैंने क्या करना है, ये माइनस है, इस माइनस ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आता, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो इस माइनस को मैं ले लेता हूँ कॉमन, कॉमन लेके मैं इस कॉमन जब ये आ जाएगी तो माइनस को मैं इक्वल के राइट साइड पर लेके जाऊँगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस और इधर प्लस 22 इक्वल जीरो। तो अब एक सिंपल इक्वेशन आ गई है। तो अब मैं इस स्टेप में मैंने क्या करना है, मुझे इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ कॉमन आ रहा है, मैं इधर दो कॉमन ले लेता हूँ, दो कॉमन लूँगा तो 5x² माइनस 16x प्लस 11 इक्वल टू जीरो। तो दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब डिवाइड होगा तो 2 के 2 0 जीरो हो जाएगा। तो सिंपल मैं इसको 5x² माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप मैं इसकी तजी करता हूँ, तजी करने या दो दर की फार्मूला लगा लें, लेकिन आप अगर देख रहे हैं कि इसकी तजी मुमकिन है तो आपने तजी करने की कोशिश करनी है। तो चलता हूँ मैं इसकी तजी करने, कैसे 11th मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो 55 आ जाएगा, 55 को मैं जब दो सिंपल इसको 8 ये माइनस है 8 से करूँगा तो सिंपल आपको ये आपको मेथड आता होगा तर्जी कर रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है इसलिए मैं आपको सिंपली तर्जी करके देता हूँ। तो 5x² तो इसकी मैं करता हूँ तर्जी, तो 5x² आ जाएगा, इसी तरह माइनस 5x आ जाएगा और माइनस 11x। ये सिंपली ये वैसे मैंने थोड़ा आलसली, लेकिन देखे ना 11th मल्टीप्लाई जब मैंने 5 किया तो 55 आ गया, और जब 11th माइनस 11th रखता हूँ माइनस 5 को रखता हूँ जब इन दोनों को रखता हूँ तो माइनस 60 आ जाता है। सिंपली ये इसकी तर्जी हो गई, इसको दो फैक्टर्स मिल गई, मैंने फैक्टरलाइजेशन कहते हैं, मैंने फैक्टर्स बना दिया। तो नेक्स्ट स्टेप कॉमन स्लैश करता हूँ, 5x कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 1, इसी तरह इधर माइनस 11th कॉमन आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप 5x माइनस 11th और एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो अब मैं इनको सिंपल दोनों इक्वेशंस दोनों ब्रैकेट्स को 0 को इक्वल रखता हूँ, इसी तरह एक्स माइनस 1 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में 5x इक्वल टू 11th और इसी तरह ये बन जाएगा 11th ओवर 5, तो मैंने 11th ओवर 5 निकाल लिया, इसी तरह एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैंने दो एक्स की कीमत एक 11th ओवर 5 और एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 निकाला। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक्स की कीमतें दो निकाल ली हैं, लेकिन अब मैंने इसी एक्स कीमत से मैंने वाई की कीमत भी निकाल ली है। इस एक्स की कीमत को इक्वेशंस किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे तो आपको मतलब y की कीमत मालूम हो जाएगी, लेकिन आपने इस वक्त भी एक ख्याल रखना है कि आपने ऐसी इक्वेशन मुंतखब करनी है जो सिंपल हो, देखने में सादा हो और लंबे डिजिट्स वाले ना हो। तो देखता हूँ मैं, ये मैंने इक्वेशंस लिखी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशंस से मैंने y की कीमत निकालनी। तो सिंपली y की कीमत निकालने के लिए हमारे पास ये ज़बरदस्त इक्वेशन 3 है, ये बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि हमारे पास y इन्होंने इक्वल के एक साइड पे दिया है, तो इसी इक्वेशन में मैं y की कीमत लिखता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ when x इज इक्वल टू 11th ओवर 5, तो देन फिर मैंने क्या करना है, अब मैं इसकी कीमत दर्ज करता हूँ। तो वही जो मैंने इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 अगर आपने देखी है तो उसकी एक्स की प्लेस पर मैं जैसे कि 2 और एक्स की प्लेस पर मैं 11th ओवर 5 लिख दिया मैंने, और बाकी क्वेश्चन है माइनस 4। तो इसी को सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू 20 ओवर 5 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, इधर नेक्स्ट स्टेप मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 5 LCM 22 माइनस 20, तो इसका जवाब सिंपली 2 ओवर 5 आ गया, मतलब हमने y की कीमत भी एक निकाली। अब y की सेकंड कीमत हमने जो निकाली है वो सेकंड जो कीमत निकाली x की उससे, तो इधर लिखते हैं when x इज इक्वल टू 1, देन फिर क्या करना है हमने, देन वही इसी इक्वेशन में हमने जहाँ पर हमने x की कीमत 11th ओवर 5 पुट की थी वहाँ हम 1 पुट करते हैं, 2
इधर 1 माइनस 4, तो कितना आ गया y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 4, तो सिंपली y इज़ इक्वल टू माइनस टू आ गई। तो अब मैंने x दो कीमतें निकाली, इसी तरह y और y दो कीमतें निकाली। अब मैं इसका सोल्यूशन शीट, लास्ट में सोल्यूशन शीट इसका लाजमी लिखना होता है SS, मैं सोल्यूशन शीट ये मुखफ़ मैंने बना लिया। अब अपने इसका तरीका बताता हूँ मैं। अब देखिए भाई, फर्स्ट टाइम अपने x की कीमत लिखी 11/5, मैंने एक कीमत लिख ली। अब मैंने 11/5 से जो y की कीमत निकाली, मैंने ये निकाली 2/5, तो मैं इसको इसके साथ लिखूँगा ब्रैकेट बंद, फिर एक कॉमा लगा के। नेक्स्ट टाइम मैंने x कीमत 1 रखी और इस 1 दर्ज करने से मैंने y की कीमत -2 निकाली, तो ये मेरा सोल्यूशन शीट बन गया। नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद इस बात को रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट मैंने क्या किया, सोल्यूशन शीट बनाते हुए अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने जो x की कीमत 11/5 लिखी थी, तो 11/5 पुट की थी, जब मैंने इस इक्वेशन पुट की थी, तो इससे जो मेरी y की कीमत सॉल्व हुई वो है 2/5, तो मैंने उसके साथ 2/5 लिखना है। इसी तरह जब मैंने इसी तरह x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 पुट गया, तो ये इस इक्वेशन पुट किया, तो इसका y इज इक्वल टू -2 आ गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आज का क्वेश्चन इतना ही, अल्लाह हाफिज़।